एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें M1 ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर से पास होती हुई एक फिक्स्ड रिजिड एंड पे जाके फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक। दूसरी स्ट्रिंग इस पुली के मिड से कनेक्ट होती हुई M2 के ब्लॉक से कनेक्टेड है। M2 का ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है V2 की स्पीड से, ठीक। जब M2 का ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा तो डेफिनेटली M1 को भी इस तरफ स्लाइड करना पड़ेगा। M1 कितनी स्पीड से स्लाइड कर रहा है? V1 की स्पीड से। V1 और V2 में रिलेशनशिप हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो तीन तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है कि इनकी लेंथ को मान लेंगे L1, L2, L3, उनको डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और V1 और V2 में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? कॉमन सेंस। और तीसरा तरीका क्या है? टेंशन ट्रिक। तीनों से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेंथ मान लेते हैं, मान लिया ये लेंथ, या सबसे पहले इसको टेंशन ट्रिक से करते हैं। तो मान लिया इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, ठीक है, ये टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T होगा। एक स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहता है? सेम रहता है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा? T। अब ये मासलेस पुली है, मासलेस पुली पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस अगर इस तरफ लेफ्ट की तरफ 2T फोर्स लग रहा है तो इस तरफ राइट की तरफ भी क्या होगा? 2 times T। तो ये एक स्ट्रिंग है ग्रीन वाली, तो इसमें भी कितना होगी टेंशन? 2T, ठीक है। टेंशन ट्रिंग क्या कहती है? समेशन T.x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। मान लिया ये इस तरफ मूव कर रहा है, अगर इसी को एक बार हम डिफरेंशिएट कर दें तो यही रिलेशनशिप किस में कन्वर्ट हो जाएगी? T.v में इक्वल टू 0। और इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये रिलेशनशिप हो जाएगी T.a में, ठीक है। तो अभी हम ये वाली रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट का समेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है टी और वेलोसिटी है वी1 और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा T into V1। अब जरा इस वाले ब्लॉक को देखो, यहाँ पे टेंशन 2T इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस होगा। कितना होगा? -2T into V2, ठीक। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। टी से टी कैंसिल आउट हो गया तो वी1 इक्वल टू आ गया कितना? कितना आ गया? 2 times V2, ठीक। टेंशन ट्रिक से आप डायरेक्ट आपने रिलेशनशिप फाइंड कर लिया V1 और V2 में, ठीक है। अब दूसरा मेथड लगाते हैं, कॉमन सेंस, ठीक। अब जरा आप देखो, अगर अगर ये ब्लॉक V2 इस तरफ मूव कर रहा है, अगर हम एक सेकंड की बात करते हैं, एक सेकंड की बात करते हैं, तो ये V2 की स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना मूव कर जाएगा? V2। तो इसका मतलब ये जो पुली है वो भी इस तरफ कितना मूव करेगी? V2। तो इसको कितनी स्ट्रिंग लेंथ, कितनी स्ट्रिंग जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए? तो इस आर्म के लिए उसको V2 लेंथ, V2 स्ट्रिंग की लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए, और इस आर्म के लिए भी V2 की लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि अब ये पुली यहाँ पहुँच जाएगी। तो इतनी V2 लेंथ इसको इस आर्म के लिए चाहिए एक्स्ट्रा, और V2 लेंथ इसके लिए एक्स्ट्रा चाहिए। तो कितनी लेंथ चाहिए उसको एक्स्ट्रा? तो वो चाहिए 2 times V2। और ये लेंथ सप्लाई कौन करेगा? ये लेंथ सप्लाई करेगा M1 का ब्लॉक। वो कितना आगे मूव कर रहा है? V1। तो कितनी लेंथ सप्लाई कर देगा एक सेकेंड में वो? V1, ठीक है। कितनी लेंथ चाहिए हमको? 2 times V2। कितनी लेंथ सप्लाई हो रही है? V1। और जितनी सप्लाई है वो नीडेड के बराबर ही होगी, जितनी रिलीज्ड है वो कंज्यूम के बराबर ही होगी। कंज्यूम कितनी हो रही है एक सेकंड में? 2 times V2। रिलीज कितनी हो रही है? V1। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 times V2, ठीक। तीसरा तरीका क्या है? लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, फिर भी कोशिश करते हैं। ये लेंथ मान लिया L1 है, ये लेंथ मान लिया L2 है, और ये वाली लेंथ मान ली हमने L3 है, ठीक है। तो L3 में तो कोई चेंज होना नहीं है, जो भी चेंज होगा L1 और L2 में चेंज होगा, ठीक है। L3 तो कांस्टेंट ही रहेगी, जैसे ही इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो L1 और L2 आपस में चेंज करेंगे, लेकिन L1 प्लस L2 का जो सम है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है ये। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन आप ढंग से देखो इसको, ये एक ही स्ट्रिंग है, ये टोटल एक स्ट्रिंग है। तो L1 प्लस L2 का जो सम है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। L3 में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, L3 तो L3 है, ठीक। अब जब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dL1/dt प्लस dL2/dt इक्वल टू 0। अब ढंग से देखना, आपको L1 को देखो आप, तो L1 के दो एंड है, एक एंड ये है और एक एंड ये है, ये हैं L1 के दो एंड। इस एंड की तरफ से L1 कम हो रही है, किस रेट से कम हो रही है? V1 की रेट से कम हो रही है। और जरा इस एंड को देखो, तो ये एंड इस तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? तो ये वाला ब्लॉक V2 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये पुली भी V2 की स्पीड से मूव कर रही होगी, तो ये वाला एंड भी V2 की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। तो ये वाला एंड किस तरफ मूव कर रहा है? V2 की स्पीड से। तो L1 जो लेंथ है उसका एक एंड
की जो वेलोसिटी है वो वी टू वो उस लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, और दूसरे एंड की जो वेलोसिटी है वी वन वो उस लेंथ को कम करने की कोशिश कर रही है। तो डी एल वन बाई डी टी जो होगा वो आपका होगा प्लस वी टू माइनस वी वन, ठीक। अब जरा एल टू पे आते हैं। अब जरा इस एल टू को देखो, इस एल टू के भी दो एंड हैं, एक एंड ये है और एक एंड ये है, ठीक है। तो ये वाला एंड तो फिक्स है, ये ना ये तो मूव नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से तो L2 की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी वजह से पड़ेगा। तो ये वाला एंड इस तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, V2 की स्पीड से। तो V2 के रेट से L2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डी एल टू बाई डी टी जो होगा वो आपका होगा प्लस V2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो क्या रिलेशनशिप आ रही है, वो आ रही है वी वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी टू, ठीक है। तो कई तरीके हैं आपके पास करने के, आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, टेंशन ट्रिक भी लगा सकते हो और आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, क्लियर।